दादी मैंने भगवान का भेस क्यों पहना पता है? बताता हूँ सुनो, छोटी मलकिन की शादी होने वाली है। अरे दादी माँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैंने जो फूल चुना था वो सफल निकला। हाँ दादी माँ छोटी मलकिन की शादी होगी, शहनाई बजेगी। पिक 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 पिक। अश्विनी दादी, अश्विनी छुटकी के लिए तूने कैसे कैसे ख्वाब देखे थे, लगता है पूरे नहीं होंगे। 16 बच्चे पैदा करने की इच्छा रखती थी मेरी पोती, उसने क्या पाप किया है? मेरी पोती अगर हमारी इच्छा से जिए तो भगवान नाराज हो जाएगा। अगर मेरी पोती मेरे बेटे की बेटी बनी रही तो उसकी मन्नत पूरी हो सकती है, वो उसे मंदिर भेज देगा। मगर वो तेरी औरत बनी तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। दादी ये गलत नहीं है अश्विनी, ये मंगलसूत्र उसे पहना दे। ये बात मैं सिर्फ तुमसे ही कह सकती हूँ क्योंकि तू ही एक मेरा अपना है। दादी ये मुझसे नहीं होगा। अगर तू दिल से चाहेगा तो हो जाएगा, अगर तू मुझसे और मेरी पोती से प्यार करता है तो ये मंगलसूत्र उसे पहना दे। दादी ये सब मुझसे कैसे हो सकता है, ये मुझसे नहीं होगा। दादी 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 बेटा, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो ये मंगलसूत्र ले ले, और अगर तेरा मेरा रिश्ता कुछ भी नहीं है तो जाने दे। दादी ये मंगलसूत्र मैं छोटी मालकिन को पहना दूं तो आप खुश रहेंगी ना? मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा और छोटी मालकिन खुशी से जिएगी, मैं उनसे शादी करूंगा। और वैसे इस दुनिया में मेरा आपके और छोटी मालकिन के सिवा और कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। मैं इसे भगवान को समर्पित करता हूँ, आज से मेरा और मेरी बेटी का कोई रिश्ता नहीं रहेगा, ऐसा कहकर हल्दी का पानी उसके सर पर डालिए। पंडित जी अश्विनी कहाँ लेकर जा रहे हो? अश्विनी 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 सुनो, कहाँ लेकर जा रहे हो? अश्विनी अश्विनी रुक जाओ, रुक जाओ अश्विनी रुक जाओ। अश्विनी तुमने ऐसा क्यों किया? मंगलसूत्र पहनाने के लिए मैंने कहा उसे, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। चलो अश्विनी चलो। छोड़ो दादी, आप कुछ भी कहेंगे तो क्या मैं मान जाऊंगी? सुनो छुटकी, तुम बच्ची हो इसलिए तेरे पापा ने बुलाया तो तुम चुपचाप चली गई। अगर तुम होशियार होती तो उसे सवाल पूछती। सुन, तेरी खुशी के लिए मैंने ये सब कुछ किया है। पापा ने भी तो मेरे लिए मन्नत मांगी थी। पापा। बेटी रो मत बेटी, मुझे ये शादी मंजूर है, भगवान ने तुम्हें अश्विनी को समर्पित कर दिया। पापा। हाँ बेटा, भगवान का यह फैसला मैं कैसे बदल सकता हूँ? मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें भगवान को समर्पित कर दूंगा, लेकिन भगवान ने ही तुम्हें अश्विनी को समर्पित कर दिया। बेटे मैं अच्छी तरह से जानती थी तू इस शादी के लिए हाँ कहेगा, तो फिकर मत कर, कुछ उपाय करके सब ठीक करवा देंगे। मैंने कहा था ना छुटकी, तेरे पापा मान जाएंगे। अश्विनी अब तुम इस घर के दामाद बन गए हो, इसलिए तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कुछ गलत कर दिया? गलती तुमने नहीं अश्विनी, मैंने की है। इतने साल मैंने तुम सबको बेवकूफ बनाया, भगवान को भी बनाने की कोशिश की लेकिन नहीं बना पाया। मैंने कहा था मेरी बेटी को भगवान को समर्पित कर रहा हूं, मैंने झूठ बोला। मेरी बेटी की जिंदगी भर शादी ना हो इसलिए लड़के वालों को मना करता रहा मैं, लेकिन माँ अचानक लड़के को घर पर ही लेके आई। मैं डर गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं कहने वाला था कि लड़का मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर तुम लोग किसी दूसरे को घर ले आते और मैं कब तक कहते रहता कि लड़का मुझे पसंद नहीं है। अश्विनी
मैं कहते रहता कि मेरी लड़की की कुंडली सही नहीं है, सोचा था तुम लोग समझ जाओगे। फिर मैं सोचने लगा कि ये शादी टालने के लिए क्या कर सकता हूँ, क्या करूँ मैं। तभी मंदिर में जोगन को देखा मैंने, तभी मेरे मन में आया कि अगर मेरी बेटी जोगन बनती है तो जोगन के रूप में सही मेरी लड़की मेरे आंखों के सामने जिंदा तो रहेगी। इसलिए मैंने झूठ बोला कि मैंने मन्नत मांगी है। अश्विनी, ये सब करते हुए मुझे कुछ खुशी नहीं हुई, लेकिन मेरी बेटी के जान के खातिर मुझे ये करना पड़ा। अगर तुम घर पर रहते तो मुझे मना कर देते, इसलिए मैंने तुम्हें जलील करके निकाल दिया। साहब जी, कोई भी माँ बाप अपनी बेटी की शादी के लिए मना नहीं करते हैं, तो फिर आपने ऐसे क्यों किया? देखो अश्विनी, मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हुआ था जब मेरी बेटी पैदा हुई थी, लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने थोड़ी देर में मुझे अंदर बुलाया और तभी मुझे मालूम पड़ा मेरी खुशियां मिट्टी में मिल गई है। पता चला अब मुझे जिंदगी भर रोना ही है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि वक्त से पहले पैदा हुई बच्ची मर जाती है, और कुछ बच्चे 2 साल या 3 साल के बाद, और कुछ बच्चे सबकी तरह बहुत साल तक जीते हैं। देखिए, आपकी बच्ची भी तो बहुत साल तक जी सकती है। और मेरी बेटी की यमदूत से लड़ाई तब से शुरू हुई। तुम तो उससे तुम छोटी हो बोलकर बात करते हो, उसे थोड़ा सा भी दुख हुआ तो भी तुम झेल नहीं सकते हो, लेकिन मैं हर पल यही सोचता रहा कि मेरी बेटी इस पल जिंदा है, लेकिन कहीं अगले ही पल वो मर तो नहीं जाएगी। मैं हर रोज उसे दवाइयां देता रहा हूँ। तुमने पूछा था कि वो दवाइयां क्यों देता हूँ, ताकि वो जिंदा रहे। जब वो थोड़ी बड़ी हो गई तो उसके पेट में दर्द होने लगा, तो मैं उसे डॉक्टर के पास लेके गया। मैंने आपकी लड़की का पूरा चेकअप कर लिया है, उसकी तबीयत में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर? आपकी बेटी जब से पैदा हुई है उसकी जान बचाने के लिए बहुत सारी दवाइयां दी गई हैं, इससे उसकी जान तो बच गई, लेकिन गर्भाशय वीक हो गया। वो पूरी तरह से आपको नॉर्मल जरूर दिखेगी, लेकिन एक बात बता दूं, उसकी शादी करवाने के बाद आप अपने दिल से निकाल दें। अगर उसकी शादी हो जाती है तो उसे बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। बच्चा पैदा करते वक्त उसके जान को खतरा है, उसका गर्भाशय शुरू से बहुत ही कमजोर है, ऐसे में बच्चे का बोझ वो बिल्कुल नहीं उठा पाएगी। ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या कर दिया? अश्विनी, अश्विनी, बहुत बड़ी गलती हो गई। अश्विनी, अश्विनी, मेरी बात सुनो, अश्विनी, शांत हो जाओ। अश्विनी, जब तुम खुद नहीं झेल पा रहे हो तो मेरी माँ कैसे झेल पाती है? 16 बच्चे पैदा करेगी ऐसा बोलती रहती है वो, लेकिन अगर मेरी बेटी गर्भ होती रहेगी तो मर जाएगी, ये बात मैं उसे कैसे बता सकता हूँ? मेरी बेटी की शादी हो जाएगी और बच्चा होते ही वो मर जाएगी, ऐसी बातें मेरे ख्वाब में भी नहीं सोची थी मैंने। अब बताओ अश्विनी, मैं मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ यही सोचकर तुमने उसे मंगलसूत्र पहना है ना? अश्विनी, अब छोटी मालकिन की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में है। मैं उसको जीने दूंगा, उसको मरने नहीं दूंगा, जरूर जीने दूंगा। अश्विनी, वादा करो तुम इसे जिंदगी भर नहीं छूओगे, ये सजा मैंने नहीं दी है तुम्हें, ये तुमने खुद स्वीकार कर ली है। अश्विनी, ये सच बताने के लिए मैं इतने दूर लेकर आया हूँ तुम्हें, तुम कुछ भी करो लेकिन यह बात मेरी बेटी और माँ को पता नहीं होनी चाहिए। ये बात किसी को भी मालूम नहीं पड़ेगी। अश्विनी, मेरी जंग आज खत्म हो गई, अब तुम्हारी जंग शुरू हो गई है। मुझे विश्वास है तुम जीतोगे ये जंग, तभी मेरी बेटी जिंदा रहेगी। ये क्या कर रहे हो? स्टॉप इट। मैं मेरी खुद की शक्ल नहीं देख पा रहा हूँ, बाकी के लोग कैसे देखेंगे इसे? मैंने उस छोटी को हाथ लगाया और उसने मेरा ये हाल किया। राजा, तुम्हारा गुस्सा, आक्रोश, ये सब जायज है, लेकिन इस गुस्से को आईना और कपबोर्ड को दिखाकर क्या फायदा? उसने तो सिर्फ तेरी शक्ल को बिगाड़ा है,
तू उसकी जिंदगी को बिगाड़ के रख दे बेटा, जा जल्दी जा, तेरा गुस्सा उस पर दिखा। आज उसकी सुहाग रात नहीं होनी चाहिए, आखिरी रात होनी चाहिए, जा। तेरी शक्ल को बिगाड़ना और तुझे बेइज्जत करना ये मेरा मकसद नहीं था। तूने जो गलती की है उसकी सजा भगवान ने तुझे दे दी। पुरानी बातें मैं भूल गया हूं, तू भी भूल जा।